तो मैंने आज एक माइक ख़रीदा हूँ, क्योंकि मुझे आवाज़ बाहर निकालने के लिए दिक्कत होती थी, तो सोचे हैं कि एक माइक ज़रूरी है लेना, तो फाइनली हमने आज माइक ले लिया हूँ। तो ये देखिए और कमेंट में बताइए कि माइक कैसा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, शाम का भी 4:30 हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हो। और आज हम दिखाएंगे अपने गांव का स्कूल। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और चल रहे हैं अपना स्कूल दिखाने के लिए। तो हम यहां से चल रहे हैं जब तक कि आप लोग बने रहिए। और चलने से पहले हम अपना यहाँ का कुछ लोकेशन बता दें। तो ये देखिए, यहाँ का लोकेशन काफ़ी अच्छा है। तो मैं फाइनली स्कूल के पास चला आया हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे गांव का जो स्कूल है, यहाँ गाछी वृक्ष से घिरा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाछ वृक्ष है, ज़्यादातर यहाँ आम का गाछ है, तो आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे स्कूल के पास एक विशाल पीपल भी है, तो आप लोग देख सकते हो। यह काफ़ी पुराना है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और यह देख लीजिए, स्कूल को बताने से पहले हम कुछ यहाँ का गाछी का कुछ दृश्य बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ही भयानक है, तो आप लोग देख सकते हो। ये देखिए, यहाँ से होल हो चुका है क्योंकि यह बहुत पुराना है। और चलिए, हम स्कूल को दिखा रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि स्कूल है यह मेरा गाँव का। और यहाँ पे काफ़ी बच्चे सब पढ़ते हैं। अभी स्कूल अच्छा नहीं बना हुआ है, इस वजह से कुछ दिक्कत होती है बारिश के महीनों में। तो बने रहिए, दिखा रहे हैं। तो ये रहा स्कूल, आप लोग देख सकते हो। स्कूल अभी बना नहीं है, फिर भी छोटा सा बना करके बच्चों को पढ़ाने के लिए बना दिया गया है, क्योंकि स्कूल जस्ट अब बनने ही वाला है, क्योंकि पैसा भी आ चुका है सरकार का। तो स्कूल अब रेडी होगा और यहाँ पर बहुत बड़ा स्कूल बनने वाला है। और ये देख लीजिए, यहाँ का लोकेशन भी काफ़ी खूबसूरत है। तो बने रहिए मेरे साथ और दिखा रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक मंदिर भी है, जो कि डेली डेली यहाँ का लोग पूजा भी करते हैं। और यहाँ पे स्कूल भी है। ये स्कूल जो है, जो मैंने बताया था कि गाछ वृक्ष से घिरा हुआ है, तो ये देख लीजिए। अभी शाम का 4:30 हो गया है, इस वजह से अभी बच्चे सब नहीं है, क्योंकि पढ़ाई होकर के बच्चा सब यहाँ से चले गए। मेरे गांव का स्कूल जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है, तो मेरे इस ब्लॉग में आज का मेरे गांव का स्कूल को ही दिखाना था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इतना ही। और मेरे चैनल पर जो भी फैन है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और इसी तरह